नमस्कार, मैं अंकुना विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। दामाद ने ससुर को गोली मारकर किया गंभीर रूप से घायल, चिकित्सकों ने किया हायर सेंटर रेफर। जिला अलीगढ़ के थाना जवा के गांव बहादुरपुर कोटा निवासी हरवीर सिंह ने करीब 1.5 साल पहले अपनी बेटी तनु की शादी जहांगीरपुर थाना क्षेत्र के गाँव गोविला निवासी एक युवक से की थी। आरोप है कि जिसके बाद से उसका पति उससे मारपीट करता रहता था, जिसे परेशान होकर मंगलवार को तनु ने अपनी बात बीती मायके पक्ष के लोगों को सुनाई, जिस पर मायके पक्ष के लोग मौसेरे ससुर राजीव पुत्र रमेश चंद्र निवासी गोविला को लेकर तनु के ससुराल पहुंच गए। आरोप है कि जिन्हें देखकर तनु के पति ने 3 बार गोली चला दी, जिसमें से एक गोली मौसेरे ससुर के पैर में लग गई। गोली की आवाज़ सुनकर ग्रामीण एकत्र होने शुरू हो गए, जिन्हें देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को खुर्जा नगर में जेटके अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत के चलते चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। मामले में पीड़ित के परिजनों ने नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें, मौसेरे ससुर ने ही तनु की शादी कराई थी। बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। तो हमको सूचना मिली, उस लड़की ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ मारपीट करते हैं। तो हम सुबह वहाँ आए, हमने लड़के से बातचीत करने के लिए उसके घर पे जब पहुँचे तो वहाँ वो था नहीं। हम काफ़ी टाइम इंतजार किया लेकिन वो नहीं आया। फिर उसके बाद में उस लड़के पे हमने फ़ोन किया, मैं भाई आ जा बातचीत करते हैं, क्या वो बात है, क्या सिस्टम है, किस वजह से मारपीट करते हो तुम। तो वो नहीं बोला, तो मैं आ रहा हूँ चलो। तो हम बहुत देर फिर चले आए उधर। फिर दोबारा जब वहाँ पहुँचे उनके घर पर तो उसने सीधे ही फायर किया आते ही। तो पहला मिस हो गया, दूसरा एक बंदा और था वहाँ, उसने ऊपर को हाथ मार दिया जैसे, तो वो ऊपर को फायर हो गया खाली। फिर जब तीसरा फायर किया, इतने में ये इन लोगों को जब मालूम पड़ी तो ये लोग जैसे आए सीधा इनमें मारा। इनकी कहाँ लगी है? इनके पैर में लगी है। क्या पुलिस को तहरीर दे दी आपने? जी जी हाँ।